एक शिप अपने पैसेंजर्स को लेके एक नए ग्रह पर जा रही थी, लेकिन अचानक से कुछ पैसेंजर्स का म्यूटेशन होने लगता है और इनके शरीर से शिप में बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर तैयार होता है। मूवी का नाम है ब्रीज, जो 2020 में रिलीज हुई थी। कहानी है आज से 200 साल बाद की। ये शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ पर क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन के चलते यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा खराब हो गया था और साइंटिस्ट ने एक दूसरे प्लेनेट यानी न्यू अर्थ की खोज की थी, जहाँ पे काफी सारे अमीर इंसान ऑलरेडी रिलोकेट हो गए थे। और वहाँ पे जाने के लिए एक आखिरी शिप बचा था जिसका नाम था द आर्क। लेकिन उस प्लेनेट पे वही लोग जा सकते थे जो अमीर है और उनके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। इसी भीड़ में हम हेली और नोवा एक कपल को देखते हैं। हेली अमीर होती है इसीलिए उसके पास सर्टिफिकेट था, लेकिन नोवा के पास नहीं होता। और इसी भगदड़ में हेली को उस सर्टिफिकेट के कारण शिप में लिया जाता है, लेकिन नोवा बाहर ही रहता है। अब स्पेसशिप के अंदर यानी आर्क में हम आर्क के कैप्टन यानी एडम को देखते हैं, जो सभी लोगों को ब्रीफिंग दे रहा होता है कि उनके आने वाला सफर कैसा होने वाला है। ये सफर काफी सालों का था और उनकी शिप सुपरसोनिक स्पीड से जाने वाली थी, जिसके चलते पैसेंजर्स क्रायो स्लीप में सोने वाले थे। इसी दरमियान कहीं से तो नोवा शिप के अंदर आ जाता है, जिसे देख हेली काफी खुश होती है। नोवा यहाँ पे नकली पेपर्स बना के शिप के स्टाफ के रूप में यहाँ पे आया था, जिसके बाद सारे लोग सेटल होते हैं। अब अगले दिन अनाउंसमेंट होती है कि शिप बहुत जल्दी सुपरसोनिक स्पीड में जाने वाली है, इसीलिए सबको क्रायो स्लीप में डाला जाता है। नोवा भी हेली की मदद करता है और उसे उसके चेम्बर में रखता है और उसे गुड बाय करके निकल जाता है। शिप के कैप्टन यानी एडम भी क्रायो स्लीप में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ के बाकी के लोग शिप पर ही काम करने वाले थे, इसीलिए नोवा हेली को गुड बाय करके वो अपने सीट पर आ जाता है, जहाँ पे वो ऑफिसर क्ले को मिलता है, जो उसी के सीनियर होते हैं। जिसके बाद इनकी शिप सुपरसोनिक स्पीड से काफी तेजी से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है, जिसके कारण ये लोग काफी लंबा अंतर तय करते हैं। अब इनकी शिप कुछ ही मिनटों के लिए सुपरसोनिक स्पीड से गई थी, लेकिन वही अर्थ पर ऑलरेडी करीब करीब 30 साल गुजर चुके होते हैं। इसी दरमियान शिप में कुछ ऑफिसर्स को इलीगल पैसेंजर्स मिलते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो हम देखते हैं कि इन सब को ऑफिसर स्टैनली, जो अभी एडम के जगह पे कैप्टन था, वो उन्हें मार देने का ऑर्डर देता है, क्योंकि स्टैनली के अनुसार कोई भी इलीगल सिटीजन इस शिप में नहीं चाहिए, और उन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद नोवा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका रूममेट ऑफिसर क्ले ही है। अब कुछ देर आराम करने के बाद नोवा हेली के पॉड के पास जाके उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी एक डिवाइस के मदद से क्ले नोवा को कॉन्टैक्ट करता है और उसे बताता है कि उसके ड्यूटी का समय हो गया है। नोवा का काम शिप में क्लीनिंग का था। अब अपने ड्यूटी के बाद नोवा जा ही रहा था, तभी वो एक आदमी को देखता है, जो कि कुछ अजीब तरीके से चीजें डाल रहा था। दिखने के लिए वो बम लग रहा था, इसीलिए नोवा उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो नोवा को देख के भागने लगता है। अब नोवा उसे पकड़ नहीं पाता, इसीलिए ये खबर वो स्टैनली को देने जाता है। तभी स्टैनली उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जो इस शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अगर नोवा को किसी पर शक हो तो उसे आकर बता दे। वही शिप के दूसरे हिस्से में कुछ ऑफिसर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनमें से ऑफिसर रेगिंस ड्रिंक करते करते अपने रूम में चला जाता है और गलती से वहां उसका बॉटल नीचे गिर जाता है, लेकिन इसी बीच एक अजीब सा क्रीचर उसके ड्रिंक के बॉटल में घुस जाता है और रेगिंस बिना देखे वो ड्रिंक पी जाता है और वो क्रीचर भी उसके शरीर में जाता है। इसके वजह से रेगिंस को काफी दर्द होने लगता है। इधर नोवा को सफाई के लिए एक एसिड का यूज करना होता है, जिसको वो गलती से एक टेबल पे गिरा देता है और वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा टेबल पिघल जाता है। वही दूसरी तरफ रिगिंस को हम देखते हैं, जिसका दर्द काफी बढ़ रहा था और कुछ ही देर के बाद वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है और उसके कुछ खून की बूंदे ऑफिसर ब्लू के शरीर में चली जाती है। उसे ऐसा देख सब लोग काफी हैरान थे और तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं। तो वहाँ दूसरी जगह नोवा को वो आदमी फिर से दिखाई देता है, जो बम गिरा के भागा था। नोवा देखता है कि वो आदमी उस क्लीनिंग एसिड को किसी तरह के ड्रम में डाल रहा होता है और तभी नोवा को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर क्ले ही है, और क्ले वहाँ से भागने लगते है और नोवा भी उनका पीछा करने लगता है। तभी भागते भागते नोवा को एक दूसरा सीनियर, जिसका नाम ऑफिसर टिक होता है, वो दिखाई देता है। फिर नोवा टिक को सारी चीजें समझाता है कि शायद क्लेम इस शिप को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन टिक उसे ही पकड़कर क्ले के पास लेकर जाता है।
वहाँ पे और दो लोग होते हैं जो डॉक्टर चैम्बर और डॉक्टर एलिजाबेथ होते हैं, और सभी लोग नोवा को पकड़कर जबरदस्ती कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लिक्विड नोवा के मुंह में जाता है तब पता चलता है कि वो तो एक ड्रिंक था, और सब लोग मिलकर नोवा के साथ मजाक कर रहे थे। क्ले हंसते हुए बताता है जो उसने देखा वो कोई बम नहीं था बल्कि क्लीनिंग का ही एसिड था, और वो कोई भी शिप बर्बाद नहीं करना चाहते। अब नोवा भी काफी शर्मिंदा होता है इन सब चीजों से। अब अगले दिन शिप में किसी का बर्थडे था और सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी होने वाली थी, और यहाँ पता चलता है कि ऑफिसर ब्लू एलिजाबेथ का ही पार्टनर है और वो ब्लू से मिलने जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब से ऑफिसर ब्लू के ऊपर वो खून गिरा था उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी, और वो इजाबेल के ऊपर हमला करके सीधा उसे मार देता है। तो यहाँ पे पार्टी में सब लोग इजाबेल का इंतजार कर रहे होते हैं। वो ना आने के कारण उसे ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिगिंस का ब्लास्ट हुआ था। उस रूम में पूरा खून देखकर सब लोग डर जाते हैं। इसी बीच में नोवा को इजाबेल की डेड बॉडी भी मिलती है, और वहां से थोड़े आगे जाने पर उसे ब्लू दिखाई देता है जो कि शिप को ही डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। इन्हें देख वो सब लोगों के ऊपर हमला भी करने आता है, और उन्हीं में से एक ऑफिसर जिसका नाम जो था उसे काट लेता है। इसीलिए सब लोग ब्लू को सीधा शूट कर देते हैं। अब ब्लू के साथ आखिरकार क्या हुआ था ये देखने के लिए उसके ऊपर ऑटोप्सी की जाती है, और उन्हें पता चलता है कि ब्लू के शरीर में कोई भी इंसानी अवयव है ही नहीं बल्कि पूरा ब्लैक लिक्विड है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। और डॉक्टर सबको बताती है कि ये किसी तरह का वायरस या पैरासाइट है जो इंसान के शरीर के सारे पार्ट्स को कंज्यूम करता है। इसी दरमियान डॉक्टर सबको ये भी बताती है कि नोवा रजिस्टर्ड लोगों में से नहीं है, उसके पेपर्स नकली है। अब ये सुनकर कमांडर स्टैनली को काफी गुस्सा आता है, और उसे नोवा के ऊपर ही शक होने लगता है कि उसी का ये प्लान है, और उसे वो मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी क्ले बीच में आता है और स्टैनली को रोकते हुए कहता है कि नोवा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, हमें असली गुनहगार को पकड़ना चाहिए। इसी दरमियान ऑफिसर टिक को पता चलता है कि वहां पर जितने भी डेड बॉडीज थे वो एक एक करके गायब हो चुके हैं। जब वो बाकी सबको इसके बारे में बता रहा होता है तब सडनली इजाबेल और जोई की डेड बॉडी पूरे जॉम्बी की तरह बन गई थी, और वो इनके ऊपर आके हमला कर देते हैं, और जो स्टैनली को वही मार देता है। अब सब इन दोनों के ऊपर गोली चलाते हैं लेकिन गोलियों का भी कोई असर नहीं था। ये देख सब लोग वहां से भागने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद हम स्टैनली को देखते हैं, वो भी जॉम्बी बन चुका था, और वो जाकर शिप के सारे गेट्स को खोल देता है जिससे बाकी जॉम्बीज पूरे शिप में लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। क्ले, नोवा और बाकी सब लोग भाग के एक रूम में छुप जाते हैं। अब यहाँ पे नोवा सोचता है कि हेली भी खतरे में है, और वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने का सोचता है, लेकिन तभी जॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी दरमियान क्ले और बाकी लोग गन से सबको मारने लगते हैं, लेकिन शिप में जॉम्बीज काफी ज्यादा आ चुके थे और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दरमियान हम देखते हैं क्ले के पास फ्लेम थ्रोवर था, और वो अपने फ्लेम थ्रोवर से सबको मारने लगता है। इसकी वजह से शिप में फायर अलार्म बजने शुरू होते हैं, चारों तरफ काफी धुआं फैल जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए सब लोग वहां से भागने लगते हैं। अब यहां पे शिप के कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर शिप की स्पीड को बढ़ाने लगता है, लेकिन इसी बीच में एक जॉम्बी आकर उसे मार देता है। तो वही दूसरी जगह नोवा और क्ले भाग रहे होते हैं, और तभी वो स्टैनली के जॉम्बी को भी पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी नोवा स्टैनली के ऊपर फायरिंग करता है, और स्टैनली का जॉम्बी क्ले को मारने ही वाला होता है कि तभी नोवा आकर स्टैनली के ऊपर फायरिंग करके क्ले को बचा लेता है, और सब लोग एक रूम में छुप जाते हैं। अब यहाँ शिप में काफी सारे सोल्जर्स भी होते हैं, लेकिन वो सब लोग हाइपर स्लीप में थे, इसलिए क्ले कहता है कि हमें कैप्टन एडम को जगाना होगा ताकि वो बाकी सोल्जर्स को उठाने का एक्सेस दे सके। लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बीज शिप के हर कोने में होते हैं, इसीलिए एडम को उठाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन नोवा इस खतरे को लेने के लिए तैयार होता है, और वो अपने रूम के एसी वेंट के थ्रू जाने का तय करता है, और क्ले का होलोग्राम डिवाइस रहता है उसके मदद से उसे पूछते हुए वो आगे बढ़ता है और एडम के रूम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्ले और बाकी सारे लोग छुपे हुए थे, तभी वहाँ पे ऑफिसर टीक बताता है कि इस वायरस को किसी ने जानबूझकर स्प्रेड किया है, क्योंकि उसका मानना है कि अर्थ का जो अभी हाल हुआ है वो इंसानों के कारण ही हुआ है, और हम सारे जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं उसका भी हाल भविष्य में पृथ्वी जैसा ही होगा, और इसीलिए कुछ इंसानों ने ये वायरस छोड़ा है ताकि हम उस अर्थ को खराब ना करें और वहाँ पहुँचने से पहले ही हम सब लोग खत्म हो जाएं। अब ये बात सुनने के बाद क्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टीक को ही मारने लगता है।
तो यहाँ पे नोवा जाकर कमांडर एडम को टैंक से उठा देता है और उसे सारी सिचुएशन बता देता है, जिसके बाद एडम भी एयरवैन के मदद से नोवा के साथ उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे क्ले था। अब यहाँ पे टीक को पता चल गया था कि ये वायरस है, इसीलिए सब लोग उसी को पूछने लगते हैं कि ये वायरस स्प्रेड को कैसे रोका जा सके, लेकिन टीक बोलता है कि वो खुद भी नहीं जानता। अब यहाँ पे कमांडर एडम बाकी सब सोल्जर्स को जगा देते हैं और सब लोग मिलकर पीछे से इन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं। वो सब इस बार ज़ॉम्बीज के ऊपर बुलेट की जगह लेजर गन से हमला करते हैं, जिसके वजह से ज़ॉम्बीज के सारे पार्ट्स कट होने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में टीक को भी ज़ॉम्बी मार देता है। अब नोवा को ब्लू का ज़ॉम्बी मारने लिए आता है, लेकिन तब नोवा उसके ऊपर एसिड फेंक देता है, जिसके कारण वहीं पे वो मारा जाता है। अब नोवा को पता चल चुका था कि इन ज़ॉम्बीज को कैसे रोकना है और वो यही बात बताने के लिए एडम के पास भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर एडम्स वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उस जगह को खुद के साथ उड़ा देते हैं, जिसके कारण वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज कटकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन सारे ज़ॉम्बीज के कटे हुए पार्ट्स एक साथ अपने आप जुड़ने लगते हैं और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा क्रीचर तैयार होता है और इन सब के ऊपर हमला करने के लिए आता है। ये देख सब लोग भागने लगते हैं। अब बचे हुए लोग वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज रिएक्टर रूम में जाकर शिप का स्पीड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टर बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है। वही नोवा क्ले और चेम्बर्स को बताता है कि ये ज़ॉम्बीज को इन एसिड से ही मारा जा सकता है, वरना वो बार बार क्रीचर में बदल जाएंगे, और उन सबको इस एसिड को एक गन में डालकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए देता है। और ऐसे एक एक ज़ॉम्बीज को मारते हुए नोवा हेली के रूम में आ पहुंचता है और हेली को उठाकर वो इन सारी चीजों के बारे में बताता है। अब ये सब लोग मिलकर शिप के पॉड की तरफ जाते हैं ताकि ये सब लोग पॉड की मदद से शिप से बाहर निकल सके, लेकिन रास्ते में वो क्रीचर इनके ऊपर हमला कर देता है और चेम्बर को मार देता है। अब ये लोग क्रीचर के सामने बचने नहीं वाले थे, इसीलिए क्ले वहाँ पे खुद रुककर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो खुद उस क्रीचर से लड़ते लड़ते वहीं पे जख्मी होकर गिर जाता है। अब ये दोनों भी शिप के पॉड के पास पहुँचते हैं और उस पॉड को एक्टिवेट करने के लिए नोवा एक दूसरे रूम में जाता है। वो इसको ऑन करके लौट ही रहा होता है कि वो क्रीचर नोवा पर हमला कर देता है और नोवा उस क्रीचर को अपने एसिड गन से मारने लगता है, और तभी वो क्रीचर एक आदमी जैसे शेप में आकर खत्म हो जाता है। तभी क्ले पॉड में आके वो खुद यहाँ पे रुकेगा ये बताता है, ताकि वो इस शिप को डिस्ट्रॉय करके उस वायरस का खात्मा यहीं पे कर दे। नोवा और हेली वहाँ से निकल जाते हैं और क्ले सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स का ज़ॉम्बी आके क्ले पर हमला कर देता है और तब शिप फुल स्पीड में रहने की वजह से रिएक्टर ज्यादा ही गर्म होने लगता है। तो वही दूसरी जगह नोवा और हेली पॉड की मदद से शिप से एस्केप कर देते हैं और उस प्लैनेट के यहाँ पे पहुँचने लगते हैं। तो यहाँ देखते ही देखते शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह ये दोनों भी उस प्लैनेट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसे ये बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लड़की मुड़ती है तब पता चलता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है, और बस वो अकेली नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट के लोग ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके थे, यानी आर्क के पहले जो शिप आई थी उसमें भी यही वायरस था। और तभी उन्हें एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देखकर हेली तो डर जाती है, लेकिन नोवा अपनी फायर गन उठाकर लड़ाई के लिए रेडी होता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। अब इस ज़ॉम्बी मूवी को कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।